महिंद्रा का दोस्तों नया लोगो, वो भी महिंद्रा की एक ऐसी एसयूवी में जो कि सेल हो रही है इंडिया में 22 सालों से। जी हाँ, बुलेरो में भी अब आपको दोस्तों नया लोगो यहाँ पर मिल गया है। यहाँ पे अब जो है ज़्यादातर हर एक गाड़ियों में महिंद्रा की ये नया लोगो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं, हम बुलेरो के बारे में जो कि बहुत सालों से जो है इंडिया में जो सेल हो रही है, कम से कम 2000 में ये जो है लॉन्च हुई थी, मतलब सन 2000 में जो है लॉन्च हुई थी। अब जाके 2022 चल रहा है, 22 सालों से जो है ये अपनी एसयूवी कैटेगरी में जो है कह सकते हैं ना सेवा दे रही है और काफ़ी अच्छा जो है पसंद करते हैं इसे लोग। तो फटाफट से बात करेंगे। सबसे पहले कलर ऑप्शन, एक तो आप ये वाइट वाला कलर देख रहे हैं जो कि जनरली आपको हर एक स्टेट में, हर एक जो है यहाँ पे कह सकते हैं ना, ऊपर से आप स्टार्ट कर लीजिए यहाँ पे या फिर नीचे से कन्याकुमारी से लेके जो है जम्मू तक स्टार्ट कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको ये कलर बुलेरो में हर जगह बुलेरो आपको देखने को मिलने वाली है। और सबसे पहले अगर बात करी जाए यहाँ पर दूसरे कलर की, तो दूसरा कलर इसका थोड़ा ग्रे शेड में आता है। तो दो कलर ऑप्शन में आपको ये आती है और इसके दो से तीन वेरिएंट आते हैं। एक आता है B4, B6 और जो है इसका B6 ऑप्शनल। B6 ऑप्शनल वाला वेरिएंट आप देख रहे हैं और जो B4 सबसे बेस रहता है ना, वो जो है एक्स शोरूम में कॉस्ट करता है 9,53,000 रुपये का, और सबसे ये जो टॉप है ये करता है 10,48,000 रुपये का एक्स शोरूम में कॉस्ट। तो फटाफट से बात करते हैं। सबसे पहले डायमेंशन देखिए, डायमेंशन जो है इसकी वही अंडर 4 मीटर की रहती हैं। 4 मीटर के अंडर में जो है ये आती है जो है महिंद्रा की ओर से जो है एसयूवी। रियर व्हील ड्राइव है, तो रियर व्हील ड्राइव आप अच्छे खासे जो है रोडों में ले जाके जो है, मतलब थोड़े बहुत उबड़ खाबड़ रोडें हैं तो रोडों में से आप जो है इसे आसानी से जो है निकाल सकते हैं। अब जरा फ्रंट सेक्शन की ओर आते हैं, पीछे का तो मैंने लोगो दिखा दिया था, पीछे से कैसी प्रोफाइल जो है नए लोगों के साथ में आ रही थी। अब नया लोगो जैसे ही आप जो है फ्रंट में देखते हैं तो फ्रंट में भी एक 4 चांद ये लगा दे रहा है जो है फ्रंट जो है लुक को, तो ऐसा कुछ रहता है। बाकी फटाफट से बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लाइटें आप देखेंगे, लाइटें इसमें जो है रिफ्लेक्टर बेस हेलोजन में मिलती हैं जो कि यहाँ पर जो है कॉर्निंग फंक्शन के साथ में आती है। यहाँ पे भी लैंप मिलेगी, यहाँ पे इंडिकेटर भी हेलोजन में रहेगा। फॉग लैंप्स यहाँ पे नहीं रहती है, मेटल का बम्पर रहेगा आपको इस तरीके से, और साथ ही साथ जो है ये ग्रिल आपको पूरे एज अ ABS प्लास्टिक में मिलेगी, लेकिन बम्पर मेटल में मिल रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को। नया लोगो ज़रूर बताएं। और यहाँ पे भी क्रोम की फिनिश दे दी गई है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है नई लोगों के साथ में। तो फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसा रहेगा इसका प्रॉपर, अगर आप देखते हैं एक बार जो है मैं इंजन सेक्शन की ओर ले चलता हूँ आपको मैं, तो इंजन सेक्शन आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से जैसे ही आप इसका जो है हुड ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे हैजार्ड लाइटें जलना स्टार्ट हो जाती है जो कि ज़्यादातर हर एक कॉमन रहता है महिंद्रा की गाड़ियों में। तो ये रहता है इसका पूरा, डीजल इंजन में ही आती है महिंद्रा बुलेरो, आप जानते ही हैं। ऊपर आपको जो है प्रॉपर इंसुलेशन देखने को मिलेगी। तो इसमें जो है आपको 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर वाला डीजल इंजन मिलता है जो कि 75 BHP की आपको पावर देता है 250 Nm टॉर्क के साथ में। तो मेनली जो टॉर्क है ना वो आपको काफ़ी मैसिव सा मिल रहा है, जितनी जो है जो आपको BHP नहीं मिल रही उससे जो है आपको 3 गुना ज़्यादा जो है टॉर्क मिल रहा है। तो मान लीजिए ये जो गाड़ी बनी है फुली जो है थोड़ा बहुत जो है ऐसे जो है रोडों में चलने के लिए बनी है, जहाँ पे नॉर्मल जो है फ्रंट व्हील जो गाड़ियाँ हैं वो आसानी से जो है मतलब जा नहीं सकती हैं। तो यही जो है कह सकते हैं ऐसी जो है इसकी कैसे रफ ट्रेन के लिए जो है जानी जाती है, रफ ट्रेन्स पे चलने के लिए। तो बुलेरो में वैसे मेजर चेंजेस और ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, नया लोगो आ चुका है और नया लोगो वाकई में लग काफ़ी जो है यहाँ पर अच्छा रहा है इसमें। अब ज़रा साइड प्रोफाइल की ओर चले, फ्रंट की मैंने बता दी आपको पूरी डायमेंशंस। डायमेंशन की क्या बात करें, डायमेंशन जो है वही अंडर 4 मीटर की जो है इसकी पूरी लेंथ रहती है। हाइट सबसे अच्छी खासी मिल जाती है जो कि मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इसमें हाइट। तो हाइट इसमें आपको 1880 mm की प्रॉपर मिलती है, जिससे कि आपको हेडरूम जो है वो अच्छा खासा मिलता है इसमें। तो एक बार पूरी फ्रेम में दिखाऊं तो ऐसी कुछ लग रही है बुलेरो। यहाँ से आप देखें तो साइड में आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे, यहाँ पे कुछ रहते हैं साइड इंडिकेटर्स। ये प्रॉपर यहाँ से जो स्ट्रिप है यहाँ से स्टार्ट होती है, सीधे एंड तक जाती है जो कि काफ़ी एक अच्छा सा जो है इसके साइड प्रोफाइल को लुक देती है। प्रॉपर आपको जो है ग्राफिक्स भी इसमें मिलेंगे, URBMs बॉडी कलर ही रहते हैं यहाँ पे, एडजस्ट आपको हाथ से ही करना है फोल्ड अनफोल्ड। और साथ ही जो है यहाँ पर जो टायर प्रोफाइल मिलेगी 215/75R15 की, लेकिन जो इसकी साइड वॉल देखिए, नॉर्मली जो है इतनी चौड़ी चौड़ी साइड वॉल आपको ज़्यादातर गाड़ियों के टायर प्रोफाइल में नहीं मिलती। तो ये जो है मेनली उबड़ खाबड़ जो रोडों में सबसे बेस्ट, जितनी साइड वॉल चौड़ी होगी उतने ज़्यादा जो कैपेबल जो है टायर रहेंगे उन रोडों पर चढ़ने जो है चलने के लिए। बाकी स्टील लिम मिलते हैं इसमें 15 इंच के, नया लोगो भी आपको व्हील कैप में आपको प्रॉपर मिलेगा। ऐसा कुछ है, फ्रंट में डिस्क मिलती है, रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलेंगी, फुट स्टेप यहाँ पे अंदर चढ़ने के लिए दिए गए हैं क्योंकि अच्छी खासी हाइट है इसकी। और जो है
यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े आपको जो है मिरर्स मिलते हैं यहाँ पे, और एक तरफ आपको DPF जो है आपको जो यूरिया फिल करने का, एक तरफ डीजल फिल करने का जो है यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे दिया गया है सेक्शन। तो 60 लीटर जो है इसमें डीजल जो है आता है और माइलेज जो इसकी रहेगी 15 से 16 के आसपास रहती है। बाकी 7 सीटर कन्फिगरेशन में आती है तो 7 सीटर ऑप्शन जो है आप इसे बूट में कन्वर्ट करना चाहें यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको जंप सीट मिलेंगी, इसे आपको बूट में यूज करना है या फिर जो है लोग यहाँ पर बैठेंगे वो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। लेकिन बीच की जो सीटें हैं ना वो काफ़ी आपको जो है चौड़ी चौड़ी मिलती है यहाँ पे अगर आप देखते हैं। अब जरा यहाँ से आप देखें तो ये सारा कुछ जो है पीछे का प्रोफाइल रहता है। बाकी रियर टेल लैम्प्स ये आपको पूरा हेलोजन सेटअप में मिलेंगी, लेकिन काफ़ी लग अच्छी रही हैं एक तरीके से जो है रेक्टेंगुलर शेप में। और बुलेरो B6 की आपको यहाँ पर बैजिंग मिलेगी, यहाँ पर आपको वाइपर भी मिलता है, नया लोगो पीछे यहाँ पे रहेगा, स्पेयर व्हील यहाँ पे पूरी कवरिंग मिलेगी, यहाँ पे बुलेरो लिखा हुआ ये भी बहुत सही लग रहा है। यहाँ पर जो है स्टेप भी दिया गया है अंदर जो है एंटर करने के लिए, ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप भी आपको यहाँ पर प्रॉपर मिल जाती है। तो साइड प्रोफाइल से कुछ ऐसी लगती है बुलेरो, दिखने में तो काफ़ी कह सकते हैं ना जो एक SUV रखने वाला फील आता है ना इस गाड़ी में वो प्रॉपर आपको मिलेगा। अब जरा यहाँ पर इंटीरियर में चलते हैं तो फटाफट से बात करेंगे। ये सारा कुछ हार्ड प्लास्टिक में मिलेगा आपको, यहाँ पे आप कुछ भी रख पाएंगे अपने अकॉर्डिंग। सीटें काफ़ी चौड़ी चौड़ी, हाइट एडजस्टमेंट के साथ में नहीं आती ड्राइवर सीट। यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, यहाँ पर थोड़ा आपको बीच में से हंप निकला हुआ मिलेगा, यहाँ पे आपको लैंप मिल रही है, चाबी आपको कुछ ऐसी मिलेगी, एक सेंटर रिमोट लॉकिंग मिलेगी, लॉक अनलॉक का ऑप्शन इसमें आपको प्रॉपर दिया जाता है। और यहाँ से आप हेडलाइट की बीम, इंजन स्टार्ट स्टॉप मतलब आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पर मिल रहा है, इंजन स्टार्ट स्टॉप तो कहाँ ही आएगा इसमें। अब जरा बैठे, स्टीयरिंग में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ भी जो है ना झुकेगा ना ये जो है उठेगा, तो ऐसा कुछ है। बीच में आपको जो है नया लोगो भी यहाँ पर आ चुका है, ऐसा कुछ रहता है नया लोगो। मीटर कंसोल की बात करें तो मीटर कंसोल कुछ ऐसा रहेगा, एकदम स्लिम सा यहाँ तक आपको प्रॉपर मिलता है, और इसमें सारे कुछ इंडिकेशन मिलेंगे। बीच में हैजार्ड लाइट का आपको ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, RPM, ये फ्यूल का, ये आपको इंजन चेक लाइट्स जैसे कि जो है बुलेरो में मिलता है ना वैसे ही आपको जो है पहले से ही चलता हुआ ऐसा जो है मीटर कंसोल आ रहा है तो ऐसे मिलेगा। बाकी B6 ऑप्शन में जो है कुछ चीज़ें ऐड ऑन होती हैं, जैसे कि ये आइडल स्टार्ट स्टॉप हो गया, ये जो है ऑडियो सिस्टम FM रेडियो वाला जिसमें कि आप जो है चार्जिंग भी कर सकते हैं, और म्यूजिक सिस्टम USB से पोर्ट करके वो भी आप जो है इसमें चला सकते हैं। तो एंड जो है एंटरटेनमेंट का पूरा जो है यहाँ पर ध्यान रखा गया। ये AC इसके नॉर्मल मैनुअल AC रहते हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पर कुछ स्पेसिंग मिलेगी, और ये रहता है इसका 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। मैनुअल में ही आती बुलेरो, डीजल में ही आती, ये सब आप जानती हैं। सेंटर कंसोल में यहाँ पे साइड बाय साइड विंडो के कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि कुछ ऐसे रहते हैं। सेंटर कंसोल में कप होल्डर्स यहाँ पे रहेंगे और सनवाइजर दोनों तरफ, डे नाइट IRVM भी दिया गया, ये भी काफ़ी अच्छा लगा, सिर्फ सिंपल सा ना नहीं छोड़ा गया इसे। तो डैशबोर्ड का पूरा व्यू ऐसा कुछ मिलता है। बाकी ABS, EBD, डुअल एयरबैग्स, जो कॉमन सेफ्टी फीचर्स आते हैं इसमें जो है वो सारे मिलेंगे। इतने टॉप नॉच नहीं कह सकते हैं कि जो है सेफ्टी फीचर्स में जो है अभी एड ऑन हुए हैं, अब तक तो नहीं हुए हैं, आगे चल के कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे आपको एक माइक यहाँ पे आपको प्रॉपर मिल जाता है। अब जरा इसको मैं सबसे पहले अपने अकॉर्डिंग सेट करता हूँ याली सीट, फिर आपको जो है स्पेस बताऊँगा मैं कि आपको स्पेस इसमें कितना देखने को यहाँ पर मिलेगा। फटाफट से जो है सेट करते हैं, तो यहाँ से आप इसे इतना जो है इससे आगे नहीं जा रही है सीट अगर मैं यहाँ पे देखूँ, और पीछे की रिक्लाइन पोजीशन भी मैं अपने अकॉर्डिंग जो यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। अब देखें ज़रा कितना स्पेस जस्ट इसी सीट के पीछे मेरे को जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। साइड बाय साइड यहाँ पर जो है पावर विंडो के कंट्रोल्स दिए गए हैं, तो ये अच्छा है कि बीच वाले जो है आगे ड्राइवर पे ही डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, तो ये भी सही दिया गया है। बाकी सीटें आप देख सकते हैं यहीं से अंदर थाई सपोर्ट, यहीं से बिना बताए आपको पता लग जाएगा कि कितनी चौड़ी सीटें हैं। बीच में RMS है, एडजस्टेबल दोनों ही रो में आपको हेडरेस्ट दिए गए हैं। यहाँ से आप बैठ के दिखाया जाए तो आपको बड़ा ही अच्छा खासा स्पेस मिलने वाला है, एक तरीके से जो मेनली जो है ना जैसे कि इनोवा और जो है ये बुलेरो जैसी गाड़ियाँ बड़े बड़े जो है दिग्गज जो है पॉलिटिशियन पार्टियों की जो है कह सकते हैं पहली पसंद होती है। तो क्यों पसंद होती है, यहाँ अंदर बैठ के पूरा फील होगा, रोड में बैठ के ऐसा पूरा फील आपको जो है बड़ी बड़ी विंडो से बाहर का व्यू आपको एकदम बाहर से एकदम
एकदम खुला सा आपको देखने को मिलता है, और जिस हाइट पे बैठते हैं ना आप, तो हाइट में अच्छी खासी आपको रोड में प्रेजेंस सामने से बड़े बड़े शीशों से आपको देखने को मिल जाती है। बाकी तीन लोगों के बैठने की कैपेसिटी अच्छी खासी हाइट, जैसे कि मेरी हाइट है तो मेरे जैसे हाइट वाले तीन लोग आसानी से बैठ पाएंगे इसमें। अंदर थाई सपोर्ट से भी ज़्यादा जो है लंबे जो है लोग बैठते हैं उन्हें भी जो है बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, जो कि बहुत सही है। बीच में कोई भी हम्प नहीं है, कोई भी आपको जो है बीच में एसी वेसी कुछ नहीं मिलता। बाकी सीट बेल्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी इस तरीके से, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स भी दी गई हैं, एक इधर बीच वाले के लिए भी और साइड वाले के लिए भी। बाकी सीटें फैब्रिक में ही रहती हैं, आपको ऐसी कुछ मिलेंगी, और यहाँ से आपको पीछे का व्यू कुछ ऐसा दिया गया है, तो ऐसी कुछ रहती है दोस्तों। इंटीरियर से जो है बुलेरो B6 ऑप्शनल, फ्रंट का व्यू देखें तो कुछ ऐसा रहता है, और बेसिक चीज़ें दी गई हैं जो चाहिए रफ एंड टफ चलने के लिए जो है। सबसे कह सकते हैं आगे ये हमेशा रहती है, वहाँ कोई भी कह सकते हैं ना ये आपको निराश नहीं करने वाली है, तो ऐसा कुछ जो है इसका पूरा इंटीरियर रहता है। बाकी B6 ऑप्शनल जो है दोस्तों, ये वेरिएंट था जिसमें कि आपको ये सारे फीचर्स जो है दिए जाते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, बुलेरो B6 ऑप्शनल नए लोगों के साथ में जो आई है उसके बारे में। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।